इंटरनेशनल नईमिया किरात फोरम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पीर कारी मोहम्मद आशिक नईमी मदनी की मेज़बानी में मरकजी जामिया मस्जिद व मदरसा अल बुरहान शहबाज टाउन फैसलाबाद में बसिलसिला बड़ी ग्यारहवीं शरीफ और उर्स मुबारक हजरत बाबा जी हाकम अली चिश्ती साबरी कादरी नौशाही अजीमुशान महफिल पाक का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत मरूफ आलम दीन शेखुल हदीस हजरत अलामा मोहम्मद मुर्तजा अताई ने की, जबकि मेहमान खसूसी इदारा नूरुल इस्लाम इंटरनेशनल के सरबराह आलमी खतीब पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी थे। जबकि इस मौका पर प्रिंसिपल तहफीजुल कुरान इस्लामिक सेंटर हाफिज मोहम्मद अमजद जफर, चेयरमैन मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर शेख मोहम्मद अशरफ कादरी, उलमाए कराम मशायख उजाम और दीनी जमातों के उहदेदारान और अमायदीन शहर की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी ने खिताब करते हुए बड़ी ग्यारहवीं शरीफ के हवाले से हुजूर गौसल आजम पीर अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हो की फजीलत बारे मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हुजूर गौसल आजम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दीनों दुनिया की भलाई मुमकिन है, क्योंकि उनकी तालीमात सुन्नत मुबारका और अहकाम कुरान पाक के ऐन मुताबिक है। हर आने वाले जितने भी अकाबर थे उन्होंने हुजूर गौसल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो की सीरत पाका पे रोशनी डाली। बात है कि हुजूर गौसे सकारान रदी अल्लाह तआला की जिंदगानी मुबारक, आपने अपनी मगरब की नमाज़ को वजू किया और फजर भी उसी के साथ पढ़ी 40 साल तक। फिर आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला के फजल और एहसान से मैं मुजाहदे के दिनों में था तो ऐसा वक़्त भी आता था कि कभी कभी मुबाहात की तरफ भी तवज्जो जाती थी, यानी खाने के लिए कई कई दिन कुछ नहीं होता था और फिर सोने के लिए ये जो आजकल के पीरों के बेहतरीन लग्जरी बेड्स हैं वो नहीं थे। आप फरमाते हैं ईंट का तकिया होता था और ज़मीन पे बिछोने के बगैर मैं सोता था। तो आओ आज हम अहद करें कि हम हजूर गौसे सकालन रदी अल्लाह तआला अन्हो जिगर गोशा रसूल औलाद बतूल हजूर पीरान पीर शेख सैयद अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वाल हुसैनी गौसे समदानी रदी अल्लाह तआला अन्हो की वो सुन्नत कि कभी ज़िंदगी में आपकी ज़बान नूर पे झूठ नहीं आया। हम झूठ से इज्तनाब करें और वादा करें कि कभी हम झूठ के करीब नहीं जाएंगे, तो फिर अल्लाह की रहमतें हमें अपने फजल और करम से अपनी लपेट में ले लेंगी। तकरीब के मेज़बान पीर कारी मोहम्मद आशिक नईमी मदनी ने अपने खिताब में कहा कि औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की कड़ी मेहनत और अखलाक हसना की बदौलत बर्रे सगीर पाको हिंद इस्लाम का गहवारा बना, यही वजह है कि उनके अस्माए ग्रामी रहती दुनिया तक कायम उदायम रहेंगे। आज की ये हुजूर गौसे आज़म जलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु सीरत कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद हुई जामिया मस्जिद बुरहान शहबाज़ टाउन फैसलाबाद में, जिसमें मौजूद मोहतरम उलमाए कराम शेख अज़ाम तशरीफ़ लाए और हुजूर गौसे आज़म जलानी रदी अल्लाह तआला की सीरत के मौजू पर बयान किया गया। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी मेहमान उलमा मशायख और दीगर जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ अपने घर का फूल। दीगर मुकर्रीन ने भी शान गौसे आज़म और बुजुर्गान दीन की अजमत बयान करते हुए उनकी दीनी और इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सदर तकरीब शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुर्तजा अताई ने मुल्क व मिल्लत की सलामती इस्तेहकाम अखुव्वत और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौका पर मौलाना मोहम्मद मुर्तजा अताई की वालदा मोहतरमा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ मरहूम, हजरत मौलाना कारी सरफराज अहमद सियालवी मरहूम और दीगर मरहूमिन की अरवाह को इसाले सवाब पेश किया गया। मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज।